हेलो फ्रेंड्स, आज हम भिंडी मसाला बनाना सीखते हैं। भिंडी मसाला कैसे बनाया जाता है, मैं लेके गरम कर लेना है, इसमें फ्राई कर लेना है, हल्के फ्लेम में इसको धीमे से फ्राई करना है। याद रहे कि हमने जो भिंडी काटना है इसमें फ्राई करना है, उससे पहले से ही धो के साफ करके सुखा के भिंडी को 4-5 मिनट तक आराम से इसको पकने दें। इससे क्या होगा कि आपका भिंडी चिपकेगा नहीं, जो लिसलिसा होता है वो लिसलिसापन इसमें से हट जाएगा बिल्कुल भी। अब ये सूख गया, हम इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। उसके बाद हमने जो प्याज काटा है उस प्याज को भी हल्के सौते करके इसको हल्के से आंच में इसको भी निकाल लेते हैं। और अब हम तेल ले लेते हैं दोबारा से कढ़ाई में, सेम प्रोसेसिंग में फिर उसके अंदर हम मसाले ऐड कर देते हैं। जब हम मसाला ऐड करेंगे हल्के से ब्राउन हो जाएगा, उसके बाद हरी मिर्ची ऐड कर सकते हैं। हरी मिर्ची इतना ऐड करना है कि हम लोगों को जितना ज़रूरत हो उतना ही ऐड करें। उसके बाद हमने प्याज चॉप कर रखा था, उस प्याज को हम इसमें डाल रहे हैं। और प्याज भी हल्के ऐसे ब्राउन होने देना है, गोल्डन ब्राउन होने देना है। इसमें जिंजर का पेस्ट है, सारे मसाले ऐड करके आप थोड़ा सा खट्टा अमचूर पाउडर इसमें डाल सकते हैं आप, और हल्दी डालना है। सारे मसाले आप जब अच्छी तरह डालेंगे उसके बाद इसको उसको भून लेना है। तो आराम से नमक आपने स्वाद अनुसार डालना है। जो जितने भी वेजिटेबल्स हमने काटे हैं, भिंडी हैं, ओनियन हैं, टमाटर हैं, टमाटर की प्यूरी भी आप ऐड कर सकते हैं। इस तरीके से हम जब भिंडी की सब्ज़ी बना लेंगे घर में और बहुत ही स्वादिष्ट बन जाता है, ये खाने के लिए तैयार हो जाता है।